दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि स्मार्टफोन का हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। इससे हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो जितना इसने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, उतना ही हमारी ज़िंदगी की माँ बहन भी एक कर दी है। ये बात सच है, अगर आप मानो या ना मानो। आपने मार्केट में ये बात सुनी होगी कि आपके फ़ोन से ब्रेन कैंसर हो सकता है। मैं आपको सच सच बता दूँ कि इससे ब्रेन कैंसर हो नहीं सकता, इससे हो रहा है और होता है। तो फाइनली मैं आपको इस वीडियो में ये डिक्लेयर करने वाला हूँ कि इससे ब्रेन कैंसर आखिर होता कैसे है, अचानक ये हमारा फ़ोन खतरा कैसे बन गया हमारे लिए, और आपके हाथ में जो फ़ोन है वो आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। तो ये सारा पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिक्लेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारे फ़ोन को खुद को एक्टिव रखने के लिए, खुद को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे रेडिएशंस को यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा फ़ोन फ़ोन टावर से कनेक्टेड होता है एंड फ़ोन टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये तीनों जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत सारे रेडिएशंस को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। ये रेडिएशंस जो होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि SAR, SAR इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है। ये रेडिएशंस जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपस में क्रिएट करते हैं, ये उतना ही हानिकारक हैं हमारे बॉडी पार्ट के लिए। जब हम इसे अपने फ़ोन को अपने कान से अटैच करके लगा करके बात करते हैं, तो ये हमारे स्किन से कनेक्टेड होते हैं और इससे हमें स्क्रीन प्रॉब्लम भी हो सकती है एंड ब्रेन कैंसर भी हो सकती है। हर एक कंट्री में एक SAR वैल्यू फिक्स की गई है। उसके इन्वायरमेंट, उसके मानसून को लेकर के हर एक कंट्री को एक SAR वैल्यू फिक्स किया गया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में SAR वैल्यू है 1.6 वॉट पर किलो। अगर आपका फ़ोन 1.6 वॉट पर किलो से ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो आपका फ़ोन आपके लिए हानिकारक है। आपका स्मार्टफोन या फ़ोन बहुत जल्द चेंज कर देना चाहिए। तो अब फाइनली बात आती है कि हम लोग चेक कैसे करें कि हमारा फ़ोन जो है वो SAR वैल्यू के एक्यूरेट बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। उसे चेक करने के लिए आपको एक कोड अपने मोबाइल पर डायल करना होगा। वो कोड है *H07H। अगर आप इसको डायल करोगे तो आपके सामने नीचे SAR इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन का जो SAR वैल्यू है वो 0.825 वॉट पर केजी है। ये हमारे 1 ग्राम हेड के लिए है, यानी कि जब हम कान से अटैच करके इसे बात करते हैं तब के लिए SAR वैल्यू है। एंड 0.696 वॉट पर केजी जो है 1 ग्राम, वो हमारे बॉडी के लिए है, यानी कि जो हम फ़ोन अपना या तो दिल के पास रखते हैं अपने फ़ोन को जेब में, या फिर अपने कमर के पास जेब में रखते हैं, तो उस टाइम आपका जो वैल्यू रहता है वो ये वैल्यू रहता है। तो इस टाइप का वैल्यू है, यानी कि 1.6 वॉट पर किलो से नीचे है तो आपका फ़ोन आपके लिए सुरक्षित है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपके लिए ये सुरक्षित नहीं है, आपको फ़ौरन अपना फ़ोन चेंज कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया आपको वो बात अच्छी से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी इसे चेक कर सके। और अगर आप ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री है, तो घबराइएगा मत, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।